शुभ संध्या बच्चों। तो पहले पार्ट के डिफरेंशिएशन में हमने बेसिक सारे लॉज को देख लिया है कि डिफरेंशिएशन करने के कितने नियम हैं, जिनमें हमने कांस्टेंट रूल भी देखा, पावर रूल भी देख लिया, प्रोडक्ट वाले को भी देखा था। प्रोडक्ट फंक्शन, अगर प्रोडक्ट के टर्म में हो, एक कोई फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट में हो, तो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, उस पर भी हमने क्वेश्चन कर लिया है अभी। और हमने आपको एक टेबल भी बताया जिसमें बेसिक जो 8-9 फॉर्मूलाज हैं रेडीमेड, उनको याद रखना है ताकि आगे हमको उसका यूज करके डायरेक्ट हम लिख सके। एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल अपना था, अगर वाई कोई फंक्शन यू इंटू वी के टर्म्स में लिखा हुआ है तो सर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई टी एक्स करने के लिए हमने क्या रूल अपनाया भाई, यू को पूरा का पूरा बाहर रखो कॉन्स्टेंट की तरह, डी वी बाई डी एक्स प्लस वी को बाहर रखो पूरा का पूरा और डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये तरीकों से, इस तरीके से पहले क्या करना है हमको अरेंज कर लेना है, देन जो डिफरेंशिएशन का हमारा जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लेना है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सपोज करो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, अगर ये है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, मीन्स हमें क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो क्या करेंगे, तो देखो u के जगह पे अगर देखोगे तो साइन एक्स तुमको u के जगह पे दिखेगा, लॉग एक्स तुमको v के जगह पे दिखेगा। तो पहले एक्सपेंड करो इस तरह से, सर u को बाहर रखा जाता है मतलब कि साइन एक्स को बाहर रखा, डिफरेंशिएट किसको करना होगा लॉग एक्स, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया गया प्लस लॉग एक्स को बाहर रखना होगा और डिफरेंशिएट किसको करना होगा साइन एक्स, लिख दिया एक्स है। अब जरा देखो क्या होगा यहाँ पे अगला स्टेप, क्या साइन एक्स के साथ कुछ होगा, नहीं भाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये साइन एक्स हमारा हो गया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन रेडीमेड फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये हो गया 1/x प्लस, यहां से लॉग एक्स को कुछ होगा क्या, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो गया रेडीमेड फॉर्मूला हो गया कॉस एक्स, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यू इंटू वी का जो अगर टर्म हो तो हम ऐसे इसको एक्सपेंड करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारा अगला क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू 7 to the power x इंटू टी टू दी पावर एक्स, इसको करते हैं जरा डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल पे, सब कोई करो इसको साथ मेरे। तो देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये यू की तरह ट्रीट कर लो, इसको वी की तरह ट्रीट कर लो, सर डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करना है, तब 7 to the base x इंटू डिफरेंशिएशन किसका होगा e टू दी पावर एक्स का, प्लस e टू दी पावर एक्स बाहर रख के डिफरेंशिएट किसको करेंगे 7 raised to power, इसको करना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद किया हुआ होगा इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका कुछ नहीं होगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू दी पावर एक्स आ गया प्लस, पर क्या इसका कुछ होगा, नहीं भाई ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो e टू दी पावर एक्स जगह का तो बना a टू दी पावर एक्स, 7 a के जगह पे 7 है, डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा a टू दी पावर एक्स इनटू log 7, यानी ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट पे चला जाएगा, टेबल में पड़ा हुआ है a टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू दी पावर एक्स इनटू log a। अब यहां से थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश अगर करोगे तो e टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लो, e टू दी पावर एक्स ऑफ 7 रेज एक्स इसको भी कॉमन ले लो, दोनों में है तो यहां हो गया 1 + log 7, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। यानी देखो फिजिक्स में फंक्शन कोई भी रहेगा, और फिजिक्स में चूंकि कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स का रहेगा, जो भी वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो भी इक्वेशन बनेगा वो समहाउ इसी तरह का कुछ कुछ बनेगा, तो बेसिक रूल्स हमको आना चाहिए, इससे हमारा 90% काम तो हो जाएगा। अब थोड़ा सा एडवांस पार्ट में जाएंगे तो आज हम लोग कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x + 3 इंटू x² - 4, ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको हम u की तरह ट्रीट कर लेंगे, इसको हम v की तरह ट्रीट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट किया जाए इस बार dy बाय dx डायरेक्ट करके देखते हैं जरा, देखो सब कुछ करो मेरे साथ,
डायरेक्ट करने की कोशिश करो, क्या होगा? तो सर यू को बाहर रहता है शुरू में, यू को बाहर निकाल लिया, वी को डिफरेंशिएट करना है। अब डायरेक्ट पावर रूल, पहले वाला रूल यूज करके जरा इसका लिखने की कोशिश करो डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई? तो इसका हो जाएगा सर टू एक्स माइनस फोर, वेरी गुड, ये हो गया। प्लस दूसरी बार क्या करेंगे, v को कांस्टेंट मानेंगे, ट्रीट करेंगे, यानी v मतलब हमारा x square minus 4x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, डायरेक्ट क्या बनेगा भाई, 2। बस ये हो गया हमारा, यानी अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसको आंसर हमारा आ जाएगा, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई थिंक की प्रोडक्ट रूल का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे समझ गए होंगे, प्रैक्टिस करना है, सीट में भर के क्वेश्चन पड़ा हुआ है, सीट में मॉड्यूल्स में प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें एक और बेसिक सा रूल है जिसको कोसेंट रूल कहते हैं, उसको देख लेते हैं जरा सा। तो आई थिंक ये रूल नंबर, अब जो कुछ भी हो, रूल नंबर 5 बोल देते हैं इसको, शायद 4 तक हमने पढ़ लिया है, तो 5वां रूल देख लेते हैं। इसका नाम है कोसेंट। क्या कहता है, पहले इसको समझेंगे फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लो कि वाई कोई फंक्शन u अपॉन v, u बाई v के फॉर्म में, दो फंक्शन का रेशियो, अगर y कोई दो फंक्शन के रेशियो में हो u बाई v के फॉर्म में, और तुम्हें dy बाई dx निकालना, dy बाई dx निकालना, कैसे करेंगे सर? तो देखो इसके लिए पहले रूल देखो क्या करेंगे, v को पहले बाहर रखेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे v को, और उसके साथ du बाई dx, u को डिफरेंशिएट किया, माइनस u को बाहर रखना है, v को डिफरेंशिएट करना है dv by dx, और इस पूरे में v स्क्वायर से हमको डिवाइड करना है। तो ये है इसका मेथड कोसेंट लगाने का, u by v फंक्शन अगर है और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो v को बाहर रखना है, u को डिफरेंशिएट करना है, माइनस u को बाहर रखते हुए v को डिफरेंशिएट करना है, और होल में v स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, y is equal to e to the power x by log x। अब इसका हमको dy by dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे? तो बहुत इजी वे में होगा, बस इस पे डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। सर यहाँ पे देखा गया तो e to the power x u का काम कर रहा है, और log x जो है वो v का काम कर रहा है, तो सर dy by dx करते हैं, तो पहले इस तरह से लिख लेते हैं, dy by dx इसका निकालो, dy by dx is equal to, सर इस बार पहले v को बाहर रखना है, means बच्चे समझ गए होंगे, log x को बाहर रखेंगे, differentiate किसको करेंगे, e to the power x को differentiate करेंगे, minus e to the power x को बाहर रखते हुए differentiate किसको करेंगे, log x को करेंगे, और whole बटा log x का power। बस मैंने पहले इस तरह से इसको एक्सपेंड कर दिया, एक बार देख लो ढंग से, यहाँ पे log x v है, तो v को बाहर रखा, u को डिफरेंशिएट किया, माइनस u को बाहर रखा, v को डिफरेंशिएट किया, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। अब देख ये वाला और ये वाला कैरी आउट करना है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में पड़ा हुआ है, बस लिख लो। क्या log x का कुछ करना है? नहीं, ये कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो log x रह गया। सर इसका रिजल्ट हमको पता है, e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e to the power x, माइनस यहाँ e to the power x का कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है, e to the power x हो गया, रह गया। सर log x का क्या होता है, रेडीमेड रिजल्ट याद कर, 1 by x होल डिवाइडेड by log x का स्क्वायर। फर्दर मन करे तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बाकी बेसिक सा काम हमने कर दिया है। जरा देख लो, u by v के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट ऐसे कर दिया जाए। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, बाकी सीट में डीपीपी में मॉड्यूल में अच्छे खासे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनको प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। चलो जैसे अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है y is equal to sin x बटा, जैसे सपोज कर लेते हैं log x, जैसे ले लेते हैं इसी को, कुछ भी बनाया जा सकता है, अपने से भी दो चार फंक्शन बना के उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, तुमको प्रैक्टिस करना है कि हाउ टू डिफरेंशिएट, ठीक है। तो sin x by log x, चलो मैं बदल देता हूँ, नीचे log x हटा देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 to the power x, ठीक है, ऐसा लिखिए,
साइन एक्स बाई टू टू दावर एक्स, ए टू दावर एक्स वाला फॉर्मूला चला जाएगा। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है सर अपने को, ठीक है। क्या करेंगे भाई, करना क्या है, वी को पहले बाहर रखना है, तो टू टू दावर एक्स को बाहर रखो, डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, साइन एक्स, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस साइन एक्स को बाहर रखो, डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, टू टू दावर एक्स डिवाइडेड बाई टू टू दावर एक्स का होल एक्स, ठीक है, बढ़िया। अब बाकी तो देखो ये सारा का सारा हमारे टेबल में पड़ा हुआ है, रेडीमेड रिजल्ट के तौर पे पड़ा हुआ है, जल्दी से इसको सॉल्व करो सर। टू टू दी पावर एक्स का कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, वो बाहर पहले ही बैठा हुआ है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हो गया माइनस, क्या साइन एक्स का कुछ करना है, नहीं, साइन एक्स को जो करते सर टू टू दी पावर एक्स, तो क्या इक्वेशन, क्या फॉर्मूला बनेगा, ए टू दी पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, यानी सर यहाँ आ जाएगा 2 to the power x into log 2 divided by 2 to the power x का whole square। मन करे तो ऊपर से 2 to the power x common लेके नीचे से एक power हटा सकते हो, तो final answer something like this आ जाएगा, cos x minus sin x into log 2 divided by 2 to the power x। अब बाकी तो ये mathematical simplification है, जहां तक simplify हो वहां तक किया जा सकता है। बेसिकली जो पार्ट है कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये हमें आ जाने से, ठीक है। ये अगला एग्जांपल हो गया, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टेन एक्स, मान लो इस तरह का कोई फंक्शन है और सर हमको डिफरेंशिएट करना है, तो देख लो u बाई v के फॉर्म में है, u के जगह पे ये वाला पार्ट टेन एक्स है, v के पार्ट पे ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है सर। डिफरेंशिएट करना क्या बहुत टफ है, नहीं भाई, u by v का फॉर्मूला बच्चे जान चुके हैं, तो डायरेक्ट करके देखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट तुम भी करो। tan x को बाहर रखना है, v को बाहर रखना है, सर tan x को बाहर रख दिया, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट। अच्छा u को डिफरेंशिएट करना है, जरा मेंटली करो इसको डिफरेंशिएट, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करो, रूट नंबर फर्स्ट और थ्री काम में आ जाएगा, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, आराम से करो मेरे साथ करो सर। तो इसको डिफरेंशिएट किए तो 2x प्लस 1 माइनस, सर u को बाहर रखा है मतलब ये पूरा मान तो बाहर रहेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 बाहर रहेगा, इनटू सर v को डिफरेंशिएट करें तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या सीखा था हमने, क्या याद किया था, sec स्क्वायर x, ये हो गया डिवाइडेड बाय tan x का होल स्क्वायर, यानी tan square x, now this is our required answer। Further simplification is a subject of mathematical calculation, mathematics आता है तो कर चुके, तो और simplifying कर सकते हो, नहीं तो ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए तो I think कि अब हमने जो भी basic सा rules देखना था हमें, वो हम देख चुके हैं कि basic rule जो है वो पांच है, पांच basic rule पे हमारा मोटा मोटी 70-80% का काम हो जाएगा, जो फिजिक्स में यूज होगा वो ऐसे ही इक्वेशंस बनेंगे। अब जैसे सपोज कर लो कि फिजिक्स की बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि वेलोसिटी, किसी कोई ऑब्जेक्ट 1D मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं साइन टी इंटू ई टू दी पावर टी, ऐसे दिया, सपोज कर लेते हैं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रही है, वी इज इक्वल टू साइन टी इंटू ई टू दी पावर टी। अब बोला कि सर इसका एक्सेलरेशन टाइम बताइए, फंक्शन बताइए, एक्सेलरेशन कैसे टाइम पे डिपेंड करेगा। अब जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बस क्या करना है, dv / dt करना है, vt का फंक्शन है, इसको कर लेंगे। अब यहां पे देखो ये u into v के फॉर्म में जाएगा, बस ध्यान रखना है कि जब भी हम फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है। मैक्सिमम इक्वेशन तुमको ये पांच जो रूल हमने सीखा इसी पांच का यूज करके हमारा हो जाएगा। तो अब करते हैं इसको, u into v डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे, सर u into v को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है, सर u को बाहर रखा जाता है मतलब साइन t को बाहर रखा गया, सर v को डिफरेंशिएट करेंगे, जरा सोचो e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अरे भाई वही होगा e टू दी पावर t का e टू दी पावर t हो गया, प्लस
सर v को बाहर रखा जाता है, मतलब e टू दी पावर t को बाहर रखा गया, और किसको डिफरेंशिएट करना होगा, साइन t को। सर साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस t। लो भाई e टू दी पावर t कॉमन ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अंदर बच गया साइन t प्लस कॉस t। नाउ दिस इज योर एक्सिलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और एक्सिलरेशन आ गया। तो ये सारी बातें फिजिक्स के चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो जैसे काइनामेटिक्स का ये क्वेश्चन हो गया, इसी तरह से जब लॉज ऑफ मोशन करोगे उसमें मोमेंटम का इक्वेशन टाइम में दिया रहेगा, फोर्स निकालने को आ जाएगा। तो फोर्स इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, वहां से कर लेंगे। वर्क डन अगर आएगा तो डीडब्ल्यू बाई डीटी इज द पावर, वहां से आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू टीएल बाई डीटी, टॉर्क जो है एंगुलर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज से दिया जाता है। तो फिजिक्स में जब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टाइम रेट चेंज से, ग्रेडियंट से, ऐसे बहुत सारे फंक्शन डिफाइन होंगे। तो बेसिकली क्या है, हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन हो उसको उसके वेरिएबल के टर्म में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन होते हैं। जैसे अब जैसे देखो, नोटेशंस टू रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के तीन चार तरीके हैं। जैसे सबसे सिंपल और सबसे पॉपुलर तरीका है dy बाई dx। अगर मान ले, जैसे मान ले y सर x का कोई फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका है, लिखा रहेगा dy by dx। अब जैसा भी फंक्शन होगा हमने रूट पढ़ा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक ये तरीका से डिफरेंशिएशन को लिखा जाएगा, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा सीधे y डैश कर रहे हैं, y डैश, अब ये y के ऊपर लगा हुआ है y डैश, तो इसका मतलब ही है dy by dx। ठीक है, तीसरा नोटेशन कभी यूज हो सकता है एफ डैश एक्स, ऐसे एफ डैश एक्स फंक्शन जो है वाई एफ एफ डैश एक्स, इसको भी पढ़ना है, दिस इज आल्सो इक्वल टू डी वाई बाई डी। ये डी वाई बाई डी एक्स को लिखने के डिफरेंट वेज है, इसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वे है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स तो सिंपली लिख देगा, वाई डैश लिख सकता है, एफ डैश एक्स लिख सकता है, कुछ भी लिखा दे सकता है। ये तीन तरीकों से हम रिप्रेजेंट जनरली कर लेंगे। जैसे मान लो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, y बराबर x टू दी पावर 3 माइनस 2x प्लस 4, अगर ऐसा कोई फंक्शन है और यहाँ y डैश लिखा हुआ है फिजिक्स में, तो ये y डैश लिखा हुआ है। अब ये y डैश का मतलब बच्चे समझेंगे कि ये dy बाई dx को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, मेथड है। तो y डैश लिखने का मतलब कि तुमको निकालना क्या है भाई, dy बाई dx, इसी को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा। तो बस सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करो, ये तो बहुत बेसिक है। 3x² माइनस टू अकेला कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, यानी दिस इज नंबर रिक्वायर्ड आंसर। जैसे मान लो एक और एग्जांपल से, जैसे मान लो f ऑफ x दिया हुआ है cos x माइनस sin, और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे पूछ दिया f डैश, अब यहां पे f डैश देख के कंफ्यूज मत हो जाना, f डैश x का मतलब ही हुआ dy / dx, फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है, ये फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एफ डैश एक्स करने का मतलब हुआ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करो, माइनस साइन एक्स, ये माइनस जो करते हो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉस एक्स। तो एक प्रॉब्लम ये हो गया, एक प्रॉब्लम ये हो गया। तो ये तीन मेथड से, तीन तरीकों से डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब हमने अभी तक बेसिक डिफरेंशिएशंस को कैरी आउट करने के जो भी हमारे पास पांच सिंपलेस्ट मेथड हैं उनका यूज करके हमने अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कुछ कंपोजिट फंक्शन जो मिक्सचर था, मिक्स फंक्शन था, उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब रही बात कि इस कड़ी में एक जो पार्ट है जो बच्चों को थोड़ा सा बॉदर करता है वो है, उसको देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल।
मैं इसको करने का एक और मेथड तुमको सिखाऊंगा, आउटसाइड इनसाइड रूल, आउटसाइड इनसाइड रूल। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं। अब ये रूल सीखना है जो एडवांस पार्ट होगा डिफरेंशिएशन का, इसमें हमको हो सकता है कि एक फंक्शन ना होके दो तीन फंक्शन का एक साथ यूज हो, उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे या फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल से लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लो सिंपलेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन e टू दी पावर x, ये दे दिया, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करने को बोला, मतलब यू हैव टू फाइंड dy by dx, ठीक है। अच्छा, अगर मैं y डैश लिखूं तो कोई दिक्कत, ये भी हो सकता है, मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत। हमने अभी सीखा कि तीनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को। तो अगर मुझे ये कैरी आउट करना है, तो अब बच्चों के पास एक समस्या क्या आएगी, देखो साइन एक्स अगर होता तो हम डायरेक्ट आंसर बोलते कि डीवाई बाई डी एक्स इज कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो देख यहाँ पे दो फंक्शन एक साथ इंटरमिंगल्ड है, एक साथ मिक्स है, एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दोनों एक साथ आ गए। तो सबसे बेसिक आइडिया ये रखना है कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो हमें पहले ये निकालना है, पहले दिमाग में ये बात सेट करना है कि कितने फंक्शंस का यूज हुआ है। बेसिकली ये जो है ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। मैथ के टीचर इसको ज्यादा बढ़िया से इलाबोरेट करेंगे, लेकिन मेरा है कि भाई जेई वाले हो या नीट वाले हो, तो मैं बेसिक रूल आउट करने आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। तो बस इतना बेसिक आइडिया समझो कि साइन एक्स नहीं है, साइन ई टू द पावर एक्स है, तो इसमें दो फंक्शन एक साथ इंटरमिंगल्ड है, ट्रिगोनोमेट्री भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन हुआ, इसको एक दूसरा नाम दे सकते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब हमें निकालना क्या है भाई, डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चा जल्दबाजी में आंसर बोल सकता है कि सर डी वाई बाई डी एक्स आपने यही सिखाया स्टैंडर्ड रिजल्ट में कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, का आंसर सर cos e टू दी पावर x लिख सकते हैं क्या, लिख तो दोगे लेकिन ये रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सीखा कि sin x, sin x क्या है। अगर मैं लिख रहा हूं देखो यहां पे, इस पहले बात इस अंतर को समझो, y is equal to sin x और y is equal to sin e टू दी पावर x, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, यहां ओनली वन फंक्शन इज इनवॉल्व, यहां ओनली वन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो मेरे को एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, मेरा काम हो जाएगा। यहां दो फंक्शन एक साथ हैं, तो इसका मतलब पहले मैं बेसिक चीज बताता हूं कि इसका जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा, दो फंक्शन है दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा, कभी कभी तीन फंक्शन को कंपोज करके और आपका इक्वेशन बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा, तो उसमें तीन बार डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो पहले हम बेसिक तरीका सीखते हैं कि जब भी ऐसा कंपोजिट फंक्शन आए उसको डिफरेंशिएट करने का एक बेसिक मेथड क्या है, जो मेथड से शायद कोई भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का सवाल हो बच्चे बना लेंगे, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से हम एक रूल का यूज करके डायरेक्ट भी लिखना सीखेंगे, जिसका नाम है आउटसाइड इनसाइड रूल, ठीक है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले इसी फंक्शन को देखता हूँ, पहले ये समझ लो कि इस फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी इंक्लूड है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इंक्लूड है, यानी ये बन गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो दो फंक्शन एक साथ आ गए तो हमको दो बार डिफरेंशिएट करना है। बेसिक मेथड क्या है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे देखूंगा बेसिक मेथड क्या है। बेसिक मेथड को जरूर सीखो, तुम्हें बेसिक मेथड पे ही प्रैक्टिस करो, और बाद में जब तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाए, तुम्हारा स्पीड बढ़ जाए, तो फिर आउटसाइड इनसाइड रूल से भी डायरेक्ट लिखने की कोशिश करना, लेकिन पहले बेसिक मेथड को गौर से सीख। जैसे देखो अब इसको हमें करना है dy by dx, निकालना हमको ये, ठीक है। ऐसा है कि हम क्या करते हैं, e to the power x, ये जो अंदर फंक्शन है इनसाइड फंक्शन। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा, देखो साइन e to the power x, तो इनसाइड में e to the power x, आउटसाइड फंक्शन साइन है, दो फंक्शन है, अंदर में एक्सपोनेंशियल है, बाहर में ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो अंदर में जो फंक्शन है उसको कुछ और नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये जेड है, मान लेते
ये जेड, ठीक है। अगर ये जेड माना तुमने तो जरा गौर से देखो, तुम वाई को लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू साइन जेड, ठीक है, अच्छे से एकदम आराम से। तुम तो मैंने ई टू दी पावर एक्स को जेड बोल दिया तो वाई हमारा हो गया साइन जेड, ठीक है। अब दो डिफरेंशिएशन यहां कर रहा होगा, देखो करा पे। अब मुझे ये डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स, बेसिकली मैं डी जेड बाई डी एक्स निकाल रहा हूं, मैं जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं और साथ साथ मैं वाई को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि देख वाई किसका फंक्शन बन चुका है, जेड का, तो मुझे निकालना है डी वाई बाई डी जेड। अच्छा जेड किसका फंक्शन है, एक्स का, तो मुझे निकालना है डी जेड बाई डी एक्स। दो काम करना है एक साथ, दो डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो तो डी वाई बाई डी जेड मतलब ये हुआ कि सर डी बाई डी जेड साइन जेड। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन चुका है, सर इसका रिजल्ट हमको पता है, इसका रिजल्ट क्या होगा भाई, साइन जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस जेड, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं, सर ये भी तो आप सिंगल फंक्शन हो गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर इसका रिजल्ट क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दोनों कैरी आउट कर लिया हमने अलग अलग। सर आपने तो निकाल दिया डी वाई बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स, लेकिन हमको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारे पास एक आइडिया है, चलो देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इसको लिखना है, जरा देखो कैसे लिखते हैं इसको। सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, लिख तो सकते हैं भाई, मैथमेटिकली तो करेक्ट है। देखो ये डी जेड डी जेड, मतलब मैं इसको ऐसे लिख तो जरूर सकता हूं, ठीक है सर। अच्छा ये दोनों तो तुम निकाल चुके हो, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स लिखना आसान है। देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी जेड, सर डी वाई बाई डी जेड क्या है अपना, कॉस जेड इंटू सर डी जेड बाई डी एक्स, देखो वहां से डी जेड बाई डी एक्स क्या है अपना, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स हो गया यहां पर। अच्छा क्या आंसर जेड में बोलना है, नहीं जेड तो हम माने थे ना भाई, तो जेड को वापस पुट बैक कर दो, तो यहां से आंसर फाइनल आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, जेड का वैल्यू रख दो कॉस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा आंसर। तो अच्छे से समझो चेन रूल में थोड़ा सा, देखो चेन रूल का क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना होगा, बाकी जो बेसिक पांच रूल पे जो डिफरेंशिएशन हमने सीखा वो बहुत सिंपल है, उसमें इजी वे में हो जाएगा। फंक्शन और फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करने चलोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, देखना होगा कितने फंक्शंस के कंपोजिशन से वो फंक्शन बना है, जितने भी फंक्शंस के कंपोजिशन से बना है उतनी बार हमको डिफरेंशिएट करना होगा, सिंपल ये बात दिमाग में बैठाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर दो तीन क्वेश्चन करने के बाद इसका शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पहले बच्चों को बेसिक मेथड सिखाया जाए ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो और तुम्हारा सेल्फ जो है तुम्हारे अंदर जो सेल्फ कमांड की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़े, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, पहले बेसिक मेथड से सीखो, पहले फंक्शन देखना सीखो कि कितने फंक्शन के कंपोजिशन से ये फंक्शन तैयार हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक बार एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू log sin x, मान लो कि log है, घबराओ नहीं, अगर log x होता तो बच्चा बोलता सर एक ही फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन और उसका भी हमको रिजल्ट पता है log x का 1/x होता है, क्या इसका रिजल्ट लिखेंगे 1/sin x, एकदम नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो क्या करते हैं, देख पहले इनसाइड फंक्शन को खोलो, तो log आउटसाइड है sin इनसाइड है, ऐसा है कि सर हम साइन एक्स को कुछ नाम देते हैं, क्या जेड दे भाई, तुमको जो मन कर मैंने जेड टी मान लिया, साइन एक्स को मैंने टी मान लिया, ठीक है सर। साइन एक्स को जब आपने टी मान लिया सर, आई थिंक वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग टी, अब ये वाई लॉग टी हो गया, दो बात करना है। देखो तो टी किसका फंक्शन, एक्स का, वाई किसका फंक्शन, टी का, तो सर यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स। अब बच्चे डायरेक्ट इसका रिजल्ट बोल सकते हैं, dt by dx मतलब क्या आ जाएगा भाई, cos, अकेला फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, t बराबर sin x, तो dt by dx क्या हो जाएगा cos x, ये हो गया सर, ये भी तो अकेला फंक्शन है, तो यहां क्या लिखना होगा dy by dt, अकेला फंक्शन है,
y t का फंक्शन है log t, तब log t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y t। ओके अब सर चाहिए क्या था हमको, पहले चाहिए क्या था वो देखना। सर चाहिए था dy by dx, लेकिन आपने तो निकाला dy by dt और dt by dx। बच्चे समझ गए होंगे पिछले एग्जांपल से। सर इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है dy by dt into dt by dx, मैथमेटिकली गलत नहीं है, देख लो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये दोनों वैल्यू पता है। सर यहां से dy by dx का वैल्यू लिखा जा सकता है, dy by dt क्या है भाई 1 by t, और dt by dx देख लो क्या है वहां से cos x। क्या आंसर t में बताना है? नहीं, t तो तुमने माना था फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, यानी फाइनल रिजल्ट में t को वापस से वही रख दो जहां से तुमने सब्स्टिट्यूट किया था। तो t क्या माना था sin x, यानी इसका रिजल्ट हो गया cos x by sin x, यानी ये आई थिंक याद आ गया होगा सबको, ये cot x, यानी इसका आंसर हो गया cot x एंड cot x इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो थोड़ा सा जब भी चेन रूल लगाने हैं तो पहले बेसिक मेथड सीखो, जितने फंक्शन हैं उतने फंक्शंस को पहचानो, उतने फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट करना सीखो, कहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है सबसे इनसाइड वाले को लेके कुछ और नाम दे देना है, उसके टर्म में जितने फंक्शंस होंगे उतने इक्वेशंस बनेंगे। जैसे अभी हमने दो का एग्जांपल देखा, आगे तीन का भी देखेंगे, तो उतने अलग अलग फंक्शंस बन जाएंगे, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, फाइनली डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, हाँ इस तरह से अरेंज करके आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड भी सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल। तो अभी इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, अगले वीडियो में हम लोग इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड रूल को देखेंगे, और फिर पैरामेट्रिक फंक्शन, फिर इंप्लिसिट फंक्शन, देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे भी काम करेंगे। आई होप कि एक वीडियो और आएगा आपके लिए डिफरेंशिएशन का, फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।